अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम उर्दू कायदा के सफ़ा नंबर 23 के जोड़ के तोड़ की प्रैक्टिस करेंगे। हम पहले भी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आए, सबसे पहला वर्ड हम लिखते हैं चाबी। चाबी को यहाँ पे हम जोड़ के लिखेंगे शे अलिफ चा, बे छोटी है बी, चाबी। अब इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें देखें कौन सा हर्फ है, जे, जे को लिखेंगे। जे के बाद लगाएं डैश। जे के साथ ही कौन सा हर्फ है, अलिफ। ये क्या बन जाएगा, जे अलिफ चा, डैश लगाई। इसके बाद अगला हर्फ है बे छोटी है बी, यानी कि पहले हम लिखेंगे बे, डैश, और बे के साथ कौन सा हर्फ था, छोटी है। ये हो गए चाबी के तोड़। चे अलिफ चा बे छोटी है बी चाबी, चे अलिफ चा बे छोटी है बी चाबी। अगला लफ्ज लिखेंगे हम बेटी, ये टे छोटी है टी बेटी। बे के सोशे के नीचे बे का नुक्ता, ये के सोशे के नीचे ये के नुक्ते। सबसे पहले देखें, अब इसको हमने तोड़ करके लिखना है, तो सबसे पहले कौन सा हर्फ है, इधर बे, बे लिखा डैश, बे के साथ ही ये है। अब यहाँ पे देखें कौन सी ये है, बे का साउंड इस पे ये के साउंड पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सी छोटी ये आएगी कि बड़ी ये आएगी। बे ये यानी कि बे बड़ी है बे, टे छोटी है टी बेटी। जहाँ पे ये का साउंड ए का साउंड देता हो तो इसका मतलब है वो बड़ी ये है, जहाँ पे ये का साउंड ई का साउंड देता हो वो छोटी ये होती है। तो यहाँ पे ए का साउंड दे रहा है बे बड़ी है बे, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले बे के बाद बढ़िए डैश, ये के बाद है टे, टे, और टे के साथ में कौन सा हर्फ है, छोटी ये। बे बढ़िए बे, टे छोटी है टी बेटी, बे बढ़िए बे, टे छोटी है टी बेटी। अगला लफ्ज है हमारा मेरे, मीम को नीचे से सर्कल इसका बनाया ये, और रे को भी लाइन से ऊपर आपने रखना है, बढ़िए मीम ये मेरे बढ़िए रे मेरे। यहाँ पे भी आप देखें ये का साउंड ए का साउंड दे रहा है, यानी कि यहाँ पे भी बढ़िए है, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे मीम, मीम डैश, मीम ये मे मीम बढ़िए मे रे, और इसके बाद फिर आता है बढ़िए मीम ये मे रे बढ़िए रे मेरे, मीम ये मे रे बढ़िए रे मेरे। अगला लफ्ज है हमारा नेक, नून को लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा के ये को लाइन से टच किया और काफ बना दिया, नून का नुक्ता ये के दो नुक्ते, नून ये ने काफ ने। सबसे पहला कौन सा हर्फ है हमारा, नून। अब आप ये देखें यहाँ पे फिर ये आ रहा है, कौन सी ये होगी यहाँ पे, छोटी है कि बड़ी है, इसके भी साउंड पे डिपेंड करता है। नून ये ने यानी कि ए का साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी बड़ी ये है, नून बढ़िए ने काफ नेक, नूंगे ने काफ ने। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको जोड़ के तोड़ की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।